इनको देखो ये एकदम कंफर्टेबल है पूरे घर में, देखो सबको पहचान, यश की चुप्पी ठीक कर ली, खुश रहो। ये वॉशरूम है जो काफी बड़ा है। ओके तो नहीं नहीं चलो 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 जाओ, वहां नहीं तुमको जाना भी, गीले हो जाओगे। अभी हम लोग नहाए हैं तो पूरा बाथरूम गीला हो चुका है। अभी फटाक से बॉस लकी गुस्सा कर रहा है क्योंकि बॉस चले गए हैं सामान रखने, थोड़ा बहुत सामान अभी रह गया है तो अभी वो आएंगे, इसलिए वो गुस्सा कर रहा है क्योंकि इसको लेकर नहीं गया। बॉस पाने तो फिर मैं मिलाती हूँ आपसे, तब तक कि मैं भी नीचे ही पहुँचती हूँ पार्किंग में और मिलते हैं आपसे कार में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, साइड में खड़े रहो यार, बीच में क्यों खड़े होते हो। तो अभी हम लोग यहाँ झांसी से निकल रहे हैं फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 9:25 और अभी यहाँ से दिखा रहा है करीब 4-4.5 घंटे तो जाएंगे क्योंकि हम जा रहे हैं उन्नाव। बहुत घंटों बाद हम लोगों को ऐसी फीलिंग आ रही कि हम लोग शहर में हैं। चलो फाइनली हमारा म्यूजिक बजा, वरना पूरा रास्ता हम लोग बिना म्यूजिक के आपस को ही म्यूजिक सुनाते हुए चले आए हैं। कनेक्ट नहीं कर रहा था ना, क्योंकि वो पूरा रास्ता आपको तो मैंने शेयर किया ना कैसा एकदम सुनसान रास्ता था, जंगल रास्ता था, ये था वो था, कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा। तो सर पहले गई थी उसके बाद से मैं गई ही नहीं, अब मैं जा रही हूँ उसके बाद। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग निकल चुके हैं जन्नाटेदार सड़क पे और ये जो सड़क है आप समझ लो ये यूपी स्टार्ट हो चुका है ना बॉस? यूपी स्टार्ट हो चुका है, यूपी तो रात में हो गया था, झांसी यूपी में आता है। हाँ तो अभी आप देख सकते हो, तो अभी कल्पना ये बताओ, हाँ मैंने आपको महाराष्ट्र घुमाया, हाँ मैंने आपको एमपी भी घुमाया कल, हाँ बाई रोड, हाँ और अब मैं बाई रोड यूपी भी घुमा रहा हूँ। यूपी तो पहले भी घुमाया बट अपनी कार में घुमा रहा हूँ। और यहाँ पर ना चारों तरफ आपको खेत ही खेत दिखेंगे। ढाबा है यहाँ पर, रुके हैं थोड़ा सा कुछ नाश्ता करते हैं। तो अभी हम लोगों ने नाश्ते में खाया पनीर का पराठा, आलू का पराठा, चाय और यार उनका जो अचार था ना वो उनकी दादी ने या उनके घर में किसी ने बनाया, उन्होंने बोला कि घर का बना अचार है, बहुत ही अम्मी था। वैसे मैं अचार कम खाती हूँ, उनका अचार मुझे बहुत अच्छा लगा और बॉस को आलू के पराठे बहुत अच्छे लगे, ये 10 पराठे दबा गए सोचो। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी नदी है, ऐसा नहीं है कि यूपी में नदी नहीं होती है, कितनी सुंदर नदी है। देखो देखो दोस्तों ऐसे ही हमको, मेरा देखो मुंह भी सूखा सूखा लग रहा होगा ना, कुछ नहीं खाया है ऐसे ही, मतलब बिना सूखे मतलब बिना खाए पिए ऐसे ही। चने खा लो। हम नहीं खाएंगे चने, कोई बंदर नहीं, क्यों चने खाएंगे, तुम ही खाओ। तो क्या बोल रहे थे, भुलाने के लिए डिस्ट्रैक्ट करने की सब स्ट्रेटेजी है। तो ऐसे ही करके देखो, हाँ मेन टॉपिक बताना था कि मैं कानपुर पहुंचने वाली हूँ, भी यहाँ से 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर बचा है और सोचो बिना खिलाए पिलाए कुछ ऐसे ही ये बंदा मुझे वहाँ से मुंबई से यहाँ ले आया। हम बाकी सबको देखते हैं कि बोलेंगे कि ये खा लो वो खा लो है ना, वो लोग मना करेंगे नहीं मुझे नहीं खाना, साला यहाँ मना करने की नौबत ही नहीं आती है, पूछते ही नहीं है कि खाओगे कि नहीं खाओगे। तो सामने ये ट्रक जा रहा है, इसने सामान ऐसा रखा है ना ये सब बेड़ा बेड़ा। पहुँच गई हूँ उन्नाव और उन्नाव से अभी यहाँ से 6 किलोमीटर है, तो मैंने बोला उन्नाव बाईपास जहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं ऐसी पानीपुरी की स्टॉल रहती है, तो मुझे मिल गई है पानीपुरी की स्टॉल, मैं पहले पानीपुरी खाती हूँ उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकलूंगी। मजा आ गया पानीपुरी खा करके। आ गया उन्नाव का जो मेन सिटी है ना अंदर का, तो मैं आपको बाहर दिखा रही थी हाईवे वगैरह था, अब ये मेन सिटी है। पीछे ना मेला लगा हुआ था और मेरे कैमरे दिवाली तक लगा रहता है। मैं मुंबई से आया हूँ, मुझे पता नहीं है तो रोड बारसा में धस गया पूरा, यहाँ पूरा ब्लॉक हो गया रोड, यहाँ से बाईपास से निकल जाओ, सीधा बाईपास जाओगे नकली वाला कानपुर वाला हाईवे आ जाएगा। गया क्या हो गया, फिर उन्होंने बात किया तो खैर उन्होंने खोल दिया छोटे चौराहे पे। और यहाँ की हालत देखो, अब मेरे घर जाने की यही ये रास्ता है, लेकिन यहाँ बारिश हुई है ना, तो दोस्तों देखो क्या हालत है रास्ते की, ये काफी कुछ ऐसे बदल गया ना तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और अभी यहाँ पर ही मेरे भैया भी मिलेंगे, ये देखो पानी पूरा भरा हुआ है, अब पानी से हम लोग गाड़ी इधर देख सकते हो आप, इस पानी से हम लोग जा रहे हैं निकल के, बड़ा मुश्किल वाला।
लेकर के आज मुझे पहली टाइम लाइफ में दिख रहा है फाटक खुला मिला। हाँ ये क्रॉसिंग के ये फाटक है ना यहाँ पर। अरे देखो मेरे घर के पास में ही पानी पूरी लगाता है। तुम्हारे भैया खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? पानी पूरी बाइक लेके आए। क्यों बाइक लेकर आए हो? देखो यश भी आया है। ओ जी खड़े हैं कहाँ दिखाइए, देखो मेरे भैया खड़े हैं, यश खड़ा है, लकी। अरे भागा पहचान जाएगा। अभी देखा इधर इधर लकी अभी उनके पीछे पड़ा है। ओ देखो 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 लकी देखो पहचान गया। ओले ओले गुस्सा कर रहा है। गुस्सा कर रहा है वो तो तुम लोग चले। कहाँ है? कौन है ये? कहाँ है ये? देखो पूछ रहा है तुमसे, पूछ रहा है, मिला है तो पूछ रहा है। गुस्सा ना, गुस्सा नहीं कर रहा, बात कर रहा है उससे। यश वो देखो यश लकी। हाँ यश है। हाँ पूछ तुम्हारी फंसी है। अच्छा रुको पूछ सही कर रहे हैं वो देखो बात कर रहा है। चलो चलो वो गुस्सा नहीं कर रहा, वो हूं करके से बात कर रहा है। गुस्सा करके घूमता रहता है। चलो चलो देखो बात करने की कोशिश कर रहा है। चलो आ रहे हैं, अंदर चलो अंदर चलो। बैठ जाओ बैठ जाओ। आ रहे हैं वो लोग, आ ही रहे हैं लकी, आ रहे हैं। बैठ जाओ लकी। हाँ हाँ बैठ जाओ। नहीं नहीं गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं। छोड़ दो, कुछ नहीं करेगा। यश तुम डरना मत, ठीक है? वो तुमको सूंघेगा खाली। वो देखो यश को पहचानने आया है। ये देखो चाटा चाटा पहचान गया। आ जाओ देखो पहचान लिया। हाँ पहचान गया ना यश है। हाँ यश है, यश है, यश को पहचान लिया। देखो गया चाट वट के आया। देखा दोस्तों यश को पहचान गया। अरे गुस्सा करा तो भैया लोगों से पूछ रहा था कि इतने दिन से कहाँ थे तुम लोग, ऐसा बातें कर रहा था। बैठ जाओ बेटा, अब बैठ जाओ। और वो मेरे भैया जा रहे हैं आगे बाइक से, और ये रास्ता मेरे घर की तरफ जाता है। यश को छोड़ नहीं रहा फ्रेंड्स, मुझे छोड़ के यश के पास चला गया, उनके पास बैठा जा करके वो पीछे होती सी जगह में। ये मेरी मम्मी है, ये मेरी भतीजी, और यश को इनको देखो ये एकदम कंफर्टेबल है पूरे घर में। देखो सबको पहचान, यश की चुप्पी भी पड़ रही खुश रहा। और ये मेरी भाभी है। और देखो ये सबको, ये पहले ही उतर के आ गए, जिससे लगता इनको पहले से ही पता था कि यही घर है। हाँ हाँ यही घर है, यही। फ्रेंड्स देखो लकी को एकदम कंफर्टेबल हो गया है, और बॉस बाहर है ना, गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो उनको दिखा रहा है। अब देखो जा रहा है वापस से, लकी बाहर नहीं जाना। देखो यश बाहर ना जाने, गंदा हो जाएगा अभी, बाहर कीचड़ उचड़ है ना इसके लिए। और ये मेरी मम्मी है, इतनी प्यारी प्यारी सी मेरी मम्मी है। हाँ ये देखो एकदम, ये लग रहा है जैसे यहाँ बचपन से रहे हैं, इसको बहुत जानते हैं, पूरा घर इनको पता है, ऐसे घूमने में पड़े हैं। अब देखो अब बॉस को बता रहा है, देखो हाँ कुछ नहीं करेगा, तुम मत डरो, तुमको तो पहचानता है। देखो नीरज बाहर न जाए, नहीं लगी बाहर नहीं जाना है, जाओ। अच्छा अपनी बाइक आ रही है, चलो 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 अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो, बाहर नहीं बाहर नहीं बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना है। हाँ बस तो फ्रेंड्स अभी इसको सेटल कर देती हूँ मैं, फिर आपको बाकी फिर मिलवाती रहूँगी। अभी सबसे रिएक्शन तो मैंने दिखाई दिया, अब पहचानेगा। देखो पहचान गया, वो वहाँ पे ऐसे तुमसे झगड़ा कर रहा था, आगे इतने दिन कहाँ थे। फिर उसके बाद जब तुम उतरे ना तो यश गया ऐसे गले वले मिला, यहाँ पर चुम्मी उम्मी लिया, यश के गोदी में जाके बैठा, वहाँ से उतर ही नहीं रहा था। हम गए थे पीछे आओ नहीं। देखो देखो पहचान गया है, देखो देखो पहचान गया मेरे भैया को, किसी उसी करने जा रहा है, जीप लिप छिपा रहा है कि हमको किसी दो इसके पीछे। देखो सबको पहचान गया वो, यही थे ना आए थे। अरे झगड़ा कर रहा था, देखो झगड़ा कर रहा था, कह रहा था इतने दिन कहाँ थे, ऐसे हूं करके बात करते ना वैसे बोल रहा था। आ गए। और सोनम भाभी से नहीं मिले? सोनम भाभी कहाँ गई? अब ध्यान आया, सोनम भाभी कह रहा हूँ यहाँ पर ठीक है, थोड़ी शक्लें तो जानी पहचानी है, बाकी सब जगह तो ही जाते हैं तो शक्लें अनजान रहती है, यहाँ पर शक्लें जानी पहचानी मिली है। तो चलिए अभी मिला दिया आपको अपनी पूरी फैमिली से। देखो आज ये मेरी पूरी फैमिली इकट्ठा है। ये मेरे भैया है राजू भैया, ये है यश, ये बहुत अच्छा डांस करता है,
और ये है मेरी प्यारी प्यारी भतीजी खुशी, जो बहुत अच्छा गाना गाती है, डांस करती है, इसकी आर्ट बहुत अच्छी है। और ये मेरी मम्मी है, तो देखो मैं खुशी की तारीफ कर रही हूँ तो गुस्सा कर रहा है। हाँ, कह रहा है ऐसे कैसे इनकी तारीफ हो रही है। अच्छा, वो घड़ी को देख कैसा कर रहा है। खुशी के लिए नाश्ता आया है, इसके पहले पेड़े वेड़े खा चुके, मिठाई उठाई खा चुके हैं। अब लकी के लिए नाश्ता आया, लकी रेडी बैठे हैं और सोनम भाभी को देख करके बड़े खुश हो रहे हैं कि हाँ ये सही है। ये देखो एकदम कंफर्टेबल है वो सबके साथ में। सुना मत, बॉस और मेरे भैया खाना खा रहे हैं और हमको भूल गए क्या, और उधर यश भी खा रहा है। तो ये हो रहा है हमारा डिनर और लकी का अपना यहाँ प्रोग्राम चालू है, जो वहाँ पर था वही यहाँ पर भी है, खेलना कूदना मस्ती करना। तो इसी मस्ती के साथ में ब्लॉग कर करते हैं इन, और आपसे कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ और नए जोश के साथ में। पूजा की सारी तैयारी हो गई है और अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को, ये कल्पना और भाभी भी मेरी रेडी हो गई है, तो चलिए ये देखिए। हेलो, वाओ, अब आपको ये देखिए चेहरे दिखने के लिए मिल गए। आप लोग बताइए कैसे हाँ, हुई है और हमें कैसे लग रहे हैं रेडी होने में। हम लोग अच्छा, बिल्कुल टाइम हो गए लेकिन आज सच में आप दोनों लोग ना बहुत अच्छे लग रहे हो। हम लोगों ने बहुत सिंपल सा, मतलब जितनी भी अगर हम तारीफ करें ना तो उतनी कम है। हम लोगों ने बहुत ही सिंपल अपीयरेंस लिया है, देखो एकदम ऐसा हल्की पहनी है, नेल पेंट लगाया है, भाभी ने ये कलर लगाया है दिखाइए जरा। हाँ, नेल पेंट भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, और ये थोड़ी ऐसी हाँ। पहनी है तो ये मेहंदी जो मैंने लगाई थी ऐसी कलर आ गई, बहुत अच्छा। ये देखो भाभी की भी मेहंदी, और ये देखो भाभी को लगता है भैया ज्यादा प्यार करते हैं, उनकी ज्यादा वो हुई है। और ये देखो कानों में मैंने ऐसे वाले इयररिंग्स पहने, आप हमेशा मुझे ऐसा सिंपल से उसमें देखते हो। और भाभी ने ऐसा इयररिंग्स पहना है, हाँ ऐसा जो भी आपको सामने दिख रहा है। बहुत फटाफट हम लोग रेडी हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं लिया क्योंकि तो चले अभी ऊपर की तरफ चलते हैं फिर। ठीक है, आ जाइए। और क्या बचा है, तो हम लोग रेडी हो चुके हैं। देखिए ये लोग रेडी हो गए और चल रहे हैं, गिरना मत, आराम से आना, आराम से आ जाओ। और अभी छत पे चल के मिलते हैं। चौथ की पूजा स्टार्ट हो गई है, मैं आप लोगों को चांद भी दिखा देती हूँ। ये देखिए येलो येलो सा दिख रहा है ज्यादा। मैं आप वो देखो लक्की बैठा है फूफा के साथ। करवा चौथ की पूजा अब हो चुकी है ना बुआ, पूजा हमारी संपन्न हुई। बेचारा लकी हमारा डर गया है, आप लोग पीछे देख सकते हो कैसे सहमा हुआ बैठा है ऐसे, कभी शांत। तो वही खिलाएंगे, एक सेकंड, अब स्टार्ट। पहले पैर छू ना, पहले खाना है फिर पैर छू। नहीं भाभी कभी पहले पैर पूजा चुके। चलो खुश रहो भाई, मस्त रहो, मौजे काटो। तुम भी खुश रहो,
चलिए खाइए पूरे दिन के बाद तुम खा लो, तुम भी खा लो, कल भाभी खिलाएंगे तुम भी खिलाएंगे। पूरे दिन से तो खाते ही रहे, और थोड़ा खा लो, उसने का छोड़ रहे। मजा आ गया। ये तो देसी का लड्डू था भाई, पानी नहीं है अमृत है। उसको ये पानी नहीं है अमृत है, अमृत है अमृत। ये लोग खा लेते हैं, वाकई में अच्छा। अब हो गई पूजा संपन्न, अब खाओ पियो। कड़े कड़ी चावल और फरा भी बने हैं। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने चेंज नहीं किया है, थोड़ा सी इयररिंग्स निकाले थे, बहुत हैवी थे यार। तो अभी काम करती हूँ मैं भी, चेंज वगैरह करती हूँ, खाना खाती हूँ, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इसी डिनर के साथ में, करवा चौथ समाप्ति के साथ में ब्लॉग का भी करते हैं समाप्ति। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल लकी फैमिली फन ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में।